प्रिय दर्शकों नमस्कार, हाजिर हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, मैं हमेशा ही विवाह में आ रही अड़चनों को दूर करने के कारगर उपाय लेकर के आपके सामने उपस्थित रहता हूँ। लेकिन आज मैं आपको उपाय नहीं बताने वाला हूँ, आज मैं आपको कुछ संकेतों के बारे में बताने वाला हूँ जो भगवान आपको आपके विवाह होने से पहले देते हैं, लेकिन आप लोग उसे समझ नहीं पाते हैं। लड़का हो या लड़की हो, विवाह होने से पहले कुछ संकेत उसे मिलना शुरू हो जाते हैं। भगवान उन्हें कुछ संकेत देना शुरू कर देते हैं, कुछ संकेतों के माध्यम से उन्हें बताना चाहते हैं कि आपके विवाह का जो समय है वो बहुत ही नज़दीक है, बहुत निकट है और आपका विवाह होने वाला है, लेकिन आप उसे समझ नहीं पाते हैं। वो कौन से संकेत हैं जो विवाह से पहले आपको मिलना शुरू हो जाता है? आप लड़के हो या लड़की हो, आपको संकेत मिलना शुरू हो जाएगा, या फिर बच्चों के जो माता पिता हैं उन्हें भी इस प्रकार के संकेत मिल सकते हैं जो ये दर्शाते हैं, ये बताते हैं कि आपके बच्चों का जो विवाह है वो शीघ्र ही होने वाला है। तो प्रिय दर्शकों, उन संकेतों के बारे में मैं आपको बताऊं, इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूँगा, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली जो नई वीडियो है उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और वो वीडियो आप आसानी से देख पाएं। तो प्रिय दर्शकों, अब आप इन संकेतों को ध्यान से सुन लीजिए। आप रास्ते से कहीं भी जा रहे हैं और रास्ते में कहीं आपको नाग और नागिन का जोड़ा दिखाई दे जाए, दोनों एक दूसरे से लिपटे हुए दिखाई दे जाए, प्रेम विलाप करते हुए दिखाई दे जाएं, तो ये संकेत आपके विवाह की तरफ इशारा करता है। इस संकेत का अर्थ ये बनता है कि आपका विवाह जल्द से जल्द होने वाला है, आपकी जन्म कुंडली में विवाह के योग चल रहे हैं, कोई न कोई रिश्ता आपका जल्द से जल्द होने वाला है और आपकी शादी होने वाली है। ये संकेत लड़का लड़की को मिल जाए या फिर लड़के के माता पिता को मिल जाए तो दोनों ही इसी बात की तरफ इशारा करते हैं। या फिर आप रास्ते से जा रहे हैं, दो पक्षी आपस में प्रेम विलाप करते हुए दिखाई दे जाएं, या फिर आप छत पर हैं, दो पक्षी वहां पर आपको दिखाई दे जाएं, कहीं पर भी पक्षी आपस में प्रेम विलाप करते हुए आपको दिखाई दे जाएं तो भी ये आपके विवाह की तरफ इशारा कर रहे हैं। आपको ऐसा जीवन साथी मिलेगा जो आपसे बहुत ही अधिक प्रेम करने वाला होगा और आपका विवाह जल्द से जल्द होने वाला होगा। ये जो संकेत हैं इसी बात की तरफ इशारा करते हैं। या फिर आप मान लीजिए कोई पाठ पूजा कर रहे हैं, मंदिर में पाठ पूजा कर रहे हैं, या फिर घर के मंदिर में भी आप पाठ पूजा कर रहे हैं, कोई सामग्री आप भगवान को अर्पण कर रहे हैं और वो आपके हाथ से छूटकर नीचे गिर जाए। अब मान लीजिए फूल आपको भगवान को अर्पण कर रहे हैं तो वो फूल हाथ से छूटकर नीचे गिर जाए तो भी ये आप के शुभ विवाह की तरफ इशारा कर रहे हैं। आपने समझ लेना चाहिए कि आपके विवाह के योग चल रहे हैं और कभी भी आपकी शादी हो सकती है। या फिर जब आप पाठ पूजा कर रहे हैं, आपके शरीर में कंपन होना शुरू हो जाए। मान लीजिए आप पूजा कर रहे हैं और पूजा करते करते आपका ध्यान भगवान में इतना लग गया कि शरीर में कंपन शुरू हो गई, तो ये भी आपके विवाह की तरफ इशारा कर रहे हैं। आप लड़के हो या लड़की हो, या फिर बच्चों के माता पिता के साथ भी ये घटना घटित हो जाए, ये संकेत मिलना शुरू हो जाए, तो ये समझ लेना चाहिए कि ये शुभ विवाह की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये कुछ संकेत थे जो मैंने आपको बताए। संकेत और भी बहुत हैं, लेकिन मुख्य मुख्य इस प्रकार के संकेत यदि आपके साथ घटित होना शुरू हो जाए, संकेत आपको मिलना शुरू हो जाए, तो ये समझ लेना कि आपके शुभ विवाह का समय नज़दीक है, कुछ ही टाइम में आपकी शादी होने वाली है, कोई न कोई अच्छा सा रिश्ता आपके लिए आने वाला है। तो प्रिय दर्शकों, मैंने बड़े ही आसान तरीके से आपको समझाने की बताने की कोशिश की है, आशा करता हूँ कि इन संकेतों के बारे में आप जान भी चुके होंगे। तो प्रिय दर्शकों, यदि आप उपाय कर करके थक चुके हैं, हार चुके हैं और शादी फिर भी नहीं हो रही है, तो फिर आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवा सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस, ये तीनों चीज़ें व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपनी जन्म कुंडली का सटीक विश्लेषण मुझसे करवा सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना एवं शेयर करना। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।